सहरसा के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत में स्थित वार्ड नंबर 12 में आज तक शिक्षा की ज्योत नहीं जल पाई। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज तक इस इलाके में पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से कोई भी मुखिया हमारी समस्या के बारे में जानकारी लेने नहीं आया। वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने ही चंदा इकट्ठा कर स्कूल भवन का निर्माण कराया, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई शुरू नहीं हुई। प्रशासन की इस बेरुखी के कारण यहाँ के लोगों में खासी नाराजगी भी है। राजनपुर पंचायत में घुसखोरी का इस तरह चरम सीमा पे है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचारी इस तरह बढ़ा हुआ है, उस पे लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। अभी जो है वर्तमान मुखिया के द्वारा जमीन दिलाने के नाम पे, इंदिरा आवास दिलाने के नाम पे, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। आपने 5 साल में तो किया नहीं और इसने आप 5 दिन में क्या करेंगे? ये ऐसा नहीं होगा। मैं पूछता हूँ सभी उस प्रतिनिधि से जिसको मौका मिला 5 साल का, वो क्या किए? कुछ नहीं। गरीब के लिए कोई काम नहीं किए। आज जो ये देख रहे हैं आप, पुरनवास का जो मामला है, बिशनपुर पुरनवास, इतनी बड़ी यहाँ महादलित का बस्ती है और वहाँ पढ़ाने के लिए खुद लोग चंदा करके स्कूल बनाने का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधि को तो डूब मर जाना। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो वहीं सूबे की नीतीश सरकार लगातार जनता से कोरोना के रोकथाम को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रही है। बावजूद इसके सूबे में कोरोना के एक्टिव मामलों में काफी वृद्धि हुई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। और इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता। बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात गुजरात के राजकोट स्थित एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी 4 मजदूर कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के नक्कीपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान श्रवण कुमार, दयानंद महतो, मुकेश कुमार और बबलू कुमार के रूप में की गई है। और इधर घटना के बाद से ही मृतकों के घर में मातम पसरा है। इस संबंध में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि कटिहार जिला प्रशासन शवों को लाने के लिए राजकोट प्रशासन से संपर्क कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने कहा कि मृतक के परिजनों को नियम संगत विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि गुजरात के राजकोट में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कटिहार के 4 मजदूरों का निधन हो गया और 4 घायल हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने राजकोट के डीएम और एडीएम साहब से बात की है। अगले 10-15 मिनटों में मोरबी के जिला प्रशासन से मेरी बात करवाएंगे और जब जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कब नेशन न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। दरअसल गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदनी चौक और गमहरिया साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का मामला हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कक्षप, थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने इलाके में मास्क चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया है। और लोगों जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैं खुद विष्णुदेव कच्छप और थाना प्रभारी कुंदन जी और सभी टीम है, हम लोग आज चांदनी चौक घाघरा और गमहरिया में बाज़ार लगता है मंगलवार को। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है घाघरा में भी, तो हम लोग मास्क चेकिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को इंश्योर करा रहे हैं कि सबको मास्क पहनना ज़रूरी है।